敬上来。来来来来，站着等着来。大力们，大家准备好。जय हिंद दोस्तों, मैं हवलदार सीमांचल बारिक। दोस्तों ये खास वीडियो है उन बंदों के लिए और जो डिफेंस का सपना है, तो हम साकार करेंगे। खास वीडियो इसलिए बता रहा हूँ, ये जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, हमारे पास फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की भी तैयारी किया है, बड़ा जबरदस्त मेहनत किया है। मैं बोल दूं दोस्तों, हमारे विश्वास के ऊपर खड़े उतरे हैं। हमने बोला था कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में आपका फिजिकल के साथ साथ रिटर्न कराएंगे। मैं इनसे सबसे 30-30 सेकंड पूछूंगा, ये बताएंगे किस प्रकार रिटर्न की तैयारी किया है। और खास बात यह है, इनका जो इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इनकी मेहनत से, मेहनत के कारण ये सफल पूर्वक फौजी बने हैं। मैं इनके टीचर से मिलाना चाहूंगा, इधर आइए। ये हमारा तिरुपति सर है, सर का थोड़ा ये बनारस में, तिरुपति सर है, साइंस के मास्टरमाइंड है। दिन रात एक करके बंदों को छोड़ा नहीं, आज इनके मुकाम हासिल हो गया है। हमारे स्टूडेंट जो है बड़ा जबरदस्त मेहनत किया, साइंस के मास्टरमाइंड है। हमारा सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, ये जबरदस्त है। एक बार आपको घुमा के ऐसे कर दिया, फिर बोलते ऐसे घुमा लो तो रीजनिंग खत्म है। जोरदार ताली कर। और मैथ के मास्टरमाइंड है, बंदे ऐसे ऐसे थे, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता था ये प्लस बी का होल स्क्वायर, आज मेरे को प्लस टू ये भी आ गया है, सर से ही सीखा है। बड़ा जबरदस्त मैथ पढ़ाते हैं, मैथ के मास्टरमाइंड है। और आधे टीचर आ रहे हैं, कल आधे बंदों का वीडियो बनाएंगे और मैं इनसे एक एक करके पूछना चाहूंगा। कम समय में ये बताएंगे कैसे मेहनत किया, पढ़ाई कैसे किया। थोड़ा प्रदीप बताइए। मेरा नाम प्रदीप महागुड़ है, जोर से बोले। मेरा नाम प्रदीप महागुड़ है, मैं बरमपुर की हूँ। और यहाँ जब 2 साल पहले आया था सर के पास, तो सर ने बोले कि रनिंग रनिंग कर ले तो नौकरी हो जाएगा। फिर वहाँ से शुरू हुआ मेरा करियर। तो जो आज जो कुछ भी हूँ सर की वजह से हूँ, और बरमपुर फिजिकल एकेडमी की वजह से हूँ। थैंक यू सर। पढ़ाई में कैसा सर, पढ़ाई कितना घंटा पढ़ता था? पढ़ाई पूरा फ्री है। और पढ़ाई का कोई पैसा लिया आपसे? कुछ नहीं सर, पढ़ाई की 0 पैसा है। पूरा रात भर पढ़ाते हैं सर, और जो रैली क्लियर होता है उस टाइम से शुरू होकर पूरा एग्जाम तक पूरा फ्री। क्या बोलना चाहेंगे, अगला रैली जब फिजिकल होगा तो आप क्या रिकमेंड करेंगे अगले फौजी जो बनने जा रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे पढ़ाई? मैं तो बोलूंगा कि सर बरमपुर फिजिकल एकेडमी एक बार आ जाए तो उनकी नौकरी का 100% शेयर पक्का। तो दोस्तों एक संदेश है अगले बंदे से हम पूछेंगे, ये हमारा बताओ सूरज। मेरा नाम सूरज है, मैं गोपालपुर में रहने वाला हूँ। मेरा रनिंग बिल्कुल पहले होता नहीं था, मेरा बड़ा भाई भी यहीं से किया हुआ है। इनका बड़ा भाई हमारे पास आके फिजिकल क्लियर किया था और इनको भेजा है। आज के डेट में ये 3-3 रैली किए, क्लियर किया है। आज ऑलरेडी नौकरी हो गया है, नर्सिंग असिस्टेंट का अभी जस्ट कलकत्ता में रनिंग क्लियर किया है, 22 तारीख को गया था। अभी उनका भी पढ़ाई चालू हो गया है, हमारे टीचर्स सारे पढ़ा रहे हैं। नर्सिंग असिस्टेंट का खास क्लास चल रहा है, अगर आप भी फिजिकल क्लियर है तो आप भी आ सकते हैं, आपका कोई दोस्त है तो भेज सकते हैं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रनिंग है। क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जिसका रनिंग पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है, एक बार बरमपुर फिजिकल एकेडमी आ जाओ। एक बार जोरदार ताली, बड़ा जबरदस्त बात बोला। अगला बंदे से मिलाते हैं, बच्चा अपना नाम बताओ। मेरा मिल्लू सही, वो लॉन्गला शुरू है। हाँ आर्मी रो इतना स्ट्रगल मात्र फोर मोर लास्ट अटेंड थी, तुम पाई बैक तेरा लास्ट अटेंड था। इससे पहले आपने कभी फौज में देखा भर्ती? भर्ती बहुत बार देखा, एक बार मेडिकल में, 2 बार रनिंग में। ऐसे दो बार रनिंग में कट गया आप, एक बार और किसी में कट गया, फाइनली हमारे पास आया, लास्ट एज था। कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे पास? बहुत अच्छा लगा है हमें पाई कर। और तुम उड़िया में बताओ आप? बहुत खुशी लग जाए पाई करी, मात्र बहुत स्ट्रगल थी, जमीन की वो गोड़ो भी बहुत खराब हो जाती, बहुत स्ट्रगल पर मुझे रैली क्लियर कर पाई।
पैर भी खराब हो गया था प्रैक्टिस के दौरान, रोड में रनिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत इंजुर हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला साथ देता है तो सब अपने आप सही हो जाता है। और बताओ पढ़ाई आप कहाँ की? आप पढ़ाई बेसिक सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आर्मी रास्ता हो जी सेरा देखिले मान मो मतलब हेजो आर्मी के बेसिक। आप कौन कोई आम पाको पढ़ियो जो मान आछ? मैंने पढ़ियो आछंदी एड़ी मो मतलब भलो माने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्राय पढ़ाई था जी आराम से क्लियर हो परबो आसो हेजो लेगन। शाबाश, पे बच्चे के लिए जोरदार ताली मारे। वो कुछ ज्यादा बोलना था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, भाषा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। और ये बंदा आया था एक्चुअली वेट लॉस के लिए, और इसका खास बात ये है इसका डेडिकेशन, विल पावर। आज के डेट में बताऊं दोस्तों रनिंग में ग्रुप में एक नंबर पे आया। इनका पिताजी आए थे बड़ा जबरदस्त, बोला सर इसको फिट कर दो। ये साइंस का स्टूडेंट था, हायर कट ऑफ मार्क से पास हुआ है, और मैं मेरे पास आए थे तो वेट लॉस के लिए। ऐसे मेहनत किया, जो ग्रुप में भागा था 300 लड़के प्रथम स्थान हासिल किया था, आप सुपर एक्सीलेंट में आया, जोरदार ताली मार इसके लिए। अब बबलू बताओ थोड़ा आप कैसा रहा? मैं बबलू बह रहा हूँ गंजम डिस्ट्रिक्ट का। मैं आज जो भी खड़ा हूँ वो बरमपुर फिजिकल एकेडमी मैनेजमेंट और बरमपुर फिजिकल एकेडमी जो भी अलग सार है उनकी वजह से आज खड़ा हूँ। इधर आप लोग आइए और बरमपुर फिजिकल एकेडमी, वो फिजिकल ही नहीं वो रिटर्न भी बहुत अच्छे से करिए, और जो भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी सारे एक्सपीरियंस टीचर है, और आपका आपका रिटर्न और फिजिकल दोनों करके इधर खुश मिल जाइए। आप आए थे मैं बताया तो क्या सही था आप जब आए थे? मैं इधर ओवरवेट से ही आया था। कितना केजी जब थे जब आए थे? मैं इधर आया था 81 से आया था, और जब फिजिकल क्लियर किया 65 से फिजिकल क्लियर कर। रनिंग में कौन सा नंबर पे आया था? पहला नंबर पे आया था। पहले नंबर पे आया था दोस्तों, ये वेट लॉस के लिए आया था। और आज के जमाने में चेंज कर दिया है, जो बंदा देश सेवा के लिए सपने में नहीं सोचा था, आप बंदों के साथ रह रहे के विल पावर बढ़ा लिया आप, और प्रथम स्थान प्राप्त करके रनिंग आज आपके सामने, रिटर्न भी पूरा क्लियर किया है, साइंस का स्टूडेंट है, आगे जाके बड़ा जबरदस्त ऑफिसर बनेगा। मेरा ये फाइनल आदेश दे दिया, ये बंदा ऑफिसर भी बन सकता है इंडियन आर्मी का, आगे मौका मिलता है और बनेगा ही। मेरा नाम जोगेश बेहरा, मैं छत्रपुर बोलगंज से हूँ, और यहाँ फिजिकल और दोनों रिटर्न की तैयारी भी होता है। आपके रिटर्न की तैयारी कितना दिन करा है बताओ? रिटर्न की तैयारी 2 महीने में हो गया, बेसिक से यहाँ तो जो भी पढ़ाया जाता है वो बेसिक से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन अनदर इंस्टीट्यूट में जल्दी से ही पढ़ाया जाता है लेकिन वैसा बेसिक से नहीं पढ़ाया जाता है। ये बंदा कहने का मतलब है यहाँ हमारे यहाँ बेसिक से पढ़ाते हैं, और अलग जितने भी संस्था होते हैं वो क्या काफ़ी एडवांस पढ़ा लेते हैं तो फर्क होता है। हमारे यहाँ क्योंकि हम देश सेवा करके आए हमें ही पता है कैसे होता है इंडियन आर्मी का क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से हमारे टीचर जो है बेसिक से पढ़ाते हैं, ये कह रहा है बंदा। जोरदार ताली मारो इसके लिए। बताना क्या चाहेंगे? कालीचरण दोरा, मुँह बहुत डिस्ट्रिक्ट आसी, मुँह एठाक रिटर्न प्रिपेरेशन करने आसती, मेरा मोर सेकंड रैली था। सेकंड रैली है, पहले रैली में किस में कट गया? सर एग्जाम नहीं हुआ। ओहो कोविड में। हाँ और पढ़ाई कैसे किया बताओ थोड़ा? फंडामेंटल था सर। हाँ हाँ, क्या बोलना चाहेगा? कोई पैसा लिया आपको पढ़ाई के ऊपर? पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा। तो दोस्तों एक संदेश है, ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, बंदे बड़ा ज़बरदस्त 2 महीना मेहनत किया है, हमारे एकेडमी से कभी बाहर गया नहीं है। चलते नेक्स्ट, आ जाओ बच्चे। ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त मेहनत किया है, थोड़ा बताओ पढ़ाई कैसा था आपका, कैसा हुआ, थोड़ा जोर से बोलो। सुमन कुमार पैदा, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। पढ़ापढ़ किसी जान नी, पूरा जीरो था पढ़ापढ़ी। मतलब बोल रहा है मैं जीरो था बिल्कुल। हाँ बताइए। इतिहास के पढ़ापढ़ी करी आर्मी रे। बंदे को कुछ नहीं आता था, टीचर को पूछ पूछ के पूरा फंडामेंटल क्लियर करके आपके सामने है, बंदा रिटर्न भी क्लियर कर लिया, देश सेवा में जा रहा है, अपने माँ बाप का नाम, एकेडमी का नाम, या हमारे पूरा परिवार ही समझ लो, सबका नाम ऊंचा कर दिया आज के डेट में, बहुत बढ़िया। मैं श्रीकांत मोड़ो, मैं दिगोपणी गंजाम से हूँ, अगर डिफेंस का सपना देखते हो फिजिकल एकेडमी आ जाओ, सक्सेस हो। बहुत बढ़िया, जबरदस्त बात बोला रे। पढ़ाई कैसे किया बताओ? पढ़ाई सर 2 महीने सर के साथ लगातार। और फिजिकल कैसे किया आप हमारे? फिजिकल सर मैं पहले 2 बार कट गया था रनिंग में, 2 बार रनिंग में कट गया था, तीसरी बार हमारा वीडियो देख के वीडियो देख आया और पास हो गया। पास हो गया और रिटर्न भी हमारे पास किया। कोई पैसा लिया आपसे? नो सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई किया दोस्तों, पढ़ाई मेन है, बात पैसे की नहीं है, आप कैसा रिजल्ट दिया उसके ऊपर जाता है, बात पैसे की नहीं है। आ जाओ, ये हमारा छोटा हनुमान बोलते हैं इंडिया का। ये इसका हिस्ट्री कुछ अलग है, ये कराटे का नेशनल प्लेयर है, लेकिन ये पहले दिया था
इंडियन आर्मी में रिटर्न में कट गया था, दोबारा कोविड में पास हुआ था, वो एग्जाम हुआ नहीं, और तीसरी बार क्या बताना चाहेंगे आप बताओ। मोला सुरेश रहता वो गजपति डिस्ट्रिक्ट आ ये मेरे पास काफी 2.5 साल से है, या कराटे भी सीखता था, प्रैक्टिस करता था, हर बार फिजिकल क्लियर करता था। पिछली बार कोविड के कारण जो है इनका रिटर्न नहीं हुआ, अभी फाइनली हमारे पास रिटर्न की भी तैयारी किया। फिजिकल तो ऑलरेडी फिट था, नेशनल प्लेयर है, एक्सलेंट रनिंग मारा है बंदे ने। कौन सा नंबर पे आया था? 3 नंबर, 3rd नंबर पे आया था 300 में से, देख लो। और पढ़ाई के ऊपर कैसा स्टार्टिंग रास्ते मैथमेटिक्स सर को राजा सर और त्रिपल सर और बिक्की सर बहुत सपोर्ट कर सकते पढ़ापढ़ मैथ का बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर नहीं था, बंदा सर का नाम ले रहा तो कहीं ना कहीं दिल में लगा है मेहनत, इसीलिए अगला नाम ले रहा सर का। तो अभी क्या क्या बोलेंगे अगले जो आपके जो साथी आएंगे रिटर्न के साथ? जो मैंने फिजिकल मैंने जो मैंने मोड़ और किसी आसुना है मैंने अलग इंस्टीट्यूट गले से मैंने कौन फंडामेंटल पढ़ा डायरेक्ट मेटेरियल दिखे कि पूरा बेसिक रू पढ़ाए हुए और जो मैंने जीरो रू हीरो बना तो कहने का मतलब है बंदा मैं अगर दूसरी जगह जाता है तो फंडामेंटल क्लियर नहीं करते, पूरा भीड़ रहता है, आपको मेटेरियल दे देंगे, घर जाके पढ़ते रहो, ये कह रहा है। तो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क है। आ जाओ बच्चे, ये देखने में लग नहीं रहा ये 18 साल का है, लग रहा कि ऐसे बंदा आज के डेट में कुछ और ही लग रहा है, उड़िया हीरो लग रहा है। मैं भी इसके जैसा ही हूँ, हम दोनों का चमड़ा तो दिख रहा होगा। और बंदा टेक्निकल में पास हुआ है, बंदा टेक्निकल में भर्ती देखा, आप देख लो क्या बताना चाहेगा बच्चा, नाम बताओ। रोशन मुँह गंजाम डिस्ट्रिक्ट खलीगुड रु आसी प्रथम आसती रनिंग से भल भाव हेबार ना तो ये किसी समय प्राक्टिस कला रनिंग परफेक्ट है रनिंग पास कली रिटर्न आई क्लीयर कल रिटर्न विषय कौन कह पा ये फ्री अफ कस्ट पढ़ा हो रिटर्न आउ सार मैंने बहुत चेष्टा कर डाउट क्लीयर करवाई आजा बच्चे आप ये मुंडा विदेश का लग रहा है कौन सा पेड़ बोलते हैं उसको मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बचा बचा नोड़िया गल तो गांड अगल फुलवान डिस्ट्रिक्ट से है। मैंने यहाँ पे रिटर्न और फिजिकल दोनों बरमपुर फिजिकल एकेडमी में करके क्लियर किया है इंडियन आर्मी का सपना, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल और रिटर्न की तैयारी किया जाता है और जो भी हूँ आज सर की वजह से ही हूँ। तो दोस्तों एक संदेश है, बंदा बड़ा ज़बरदस्त मेहनत किया, हर जगह पे डाउट रहता था कि फिजिकल होगा कि नहीं क्योंकि हैवी वेट था, और इस बावजूद भी इसके आगे जो आने वाले बंदे भी उस दिन फेल हो गए, ये बंदा उस दिन विल पावर के साथ उड़ गया, मैं हैरान हो गया, पास हो गया आज की डेट में, और रिटर्न भी बड़ा ज़बरदस्त 176 मार्क ले के 200 में से इंडियन आर्मी का सपना जो है रिटर्न क्लियर किया, ये गर्व की बात है हमारे लिए। सभी ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत किया, वीडियो एक संदेश है, अच्छे लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।